बिहार में 18 साल के लोगों के लिए टीकाकरण का आज दूसरा दिन है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटना के ईस्ट गार्डनर अस्पताल में। आप देख सकते हैं अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं, लेकिन काउंटर के आगे यानी काउंटर के सामने तस्वीर क्या है यह आप खुद देख सकते हैं। लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ है, एक दूसरे पर लोग चढ़े हुए हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि ये तस्वीर देखकर डर लगता है कि ये लोग घर से वैक्सीन लेने आए हैं और अपने घर दोबारा कहीं कोरोना लेकर ना चले जाएं। हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि यहाँ पर व्यवस्था जो है वह कितनी अच्छी है। यहाँ पर व्यवस्था क्या अच्छा होगा, पहले सरकार जो ये किया था प्राइवेट में भी देंगे और सरकारी भी देंगे उस हिसाब से रहता अच्छा होता, आज सरकारी कर दिया, पता नहीं डोज का इसका कमी है। क्या क्या परेशानी हो रही है? परेशानी नंबर में लगना, हम सुबह 8 बजे यहाँ पर आए हैं और अभी तक मेरा नंबर नहीं लगा। इस भीड़ में अगर जाएंगे तो कोरोना ही लेकर के घर वापस जाएंगे। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है, केवल परेशानी है ये है, फ़ायदा कुछ थोड़ी है। एक तो अब देख रहे हैं कि आपका सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो रहा है, पता नहीं लग रहा है कि कोवैक्सीन भी दे रहे हैं, कोविशील्ड भी दे, कौन किस काउंटर पर दे रहे हैं, कौन कहाँ खड़ा होना है, क्या आपका सिस्टम है, कुछ पता नहीं लग रहा। आप ये देख सकते हैं तो बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या क्या परेशानी है? परेशानी तो बहुत है, देखिए जो लोग जहाँ हैं वहीं लग रहे हैं, कुछ पता चल रहा है कि कहाँ पर क्या लगना है, नहीं लगना है, कोई वैक्सीन का लगना है कि कोविशील्ड का लगना है। ये लोगों की जो भीड़ है ये डरा नहीं रही है? देखिए डरा तो रही है मगर लोग भी नहीं समझ रहे हैं और प्रशासन से थोड़ी सी चूक हो रही है कि यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह का वैक्सीन पड़ेगा और संख्या बढ़ाना चाहिए प्रशासन को। सबसे पहले 2 कंप्यूटर यहाँ काम कर रहा है ऑपरेटर, लोगों की भीड़ संख्या ज़्यादा है और हम तो एक सुझाव देंगे कि हर वार्ड में इसकी जिम्मेवारी दे दे कि वार्ड पार्षद अपने हर वार्ड के लोगों को वैक्सीनेशन कराए। तो व्यवस्था को लेकर लोग नाराज हैं, गुस्से में हैं, उनका कहना है कि जो व्यवस्था है वह मुकम्मल नहीं है और इस बात का उन्हें डर लग रहा है कि वह वैक्सीनेशन के लिए अस्पताल पहुँचे और कहीं कोरोना लेकर अपने घर न पहुँच जाएँ। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना न्यूज़ 24।